पेन पेन पहनाऊंगा बेटा। चतुर्वेदी जी, मेरा मतलब समधी जी आइए। अरे बहुत बहुत मुबारक हो समधी जी। समधी जी, अब तो हम लीगली समधी हो गए। अरे बेबी, मिठाई क्या तुमने तिजोरी में डबल करने के लिए रखी हुई है? जाओ सबका मुंह मीठा कराओ। हाँ हाँ, अभी लेकर आती हूँ। जा जा जा। ये तो देखिए चेहरा। चलिए एक बात बताएं, आज का ये जो दिन है ना, ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। परमात्मा करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे सलामत रहे, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। नमस्ते जनमान जी। नमस्ते जी। आइए आइए आइए। बिल्कुल सही वक्त पे आए। जजमान, शुभ मुहूर्त ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10 दिन बाद है। इसके बाद 17 महीनों तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। क्या बात है पंडित जी, आपने तो तबीयत खुश कर दी। भाई वाह, 10 दिन बाद तो पूजा की भी शादी है, लगे हाथ मंत्री की शादी हो जाएगी। अरे वाह, एक ही मंडप में दोनों बहनों की शादी? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे भाई क्यों नहीं हो सकती? लोचन जी, भाई समझा कीजिए, शादी ब्याह का मामला है, कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा है। पंडित जी, आप ना 2-3 महीने के बाद का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल लिए, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। क्षमा कीजिएगा, इसके अलावा कोई भी मुहूर्त नहीं है। मेरे रहते हुए आप टेंशन मत लीजिए। अरविंद अग्रवाल रामघाट वाले, मुकेश गोयल दिलबाग वाले, रोशनलाल फकीरचंद हरिचंद गंगाराम गोपाल। आ जाओ आ जाओ। मामा जी, आपने कुछ नोटिस किया क्या? आपको कुछ कमी या कुछ महसूस हुआ? तुम कहना क्या चाहते हो बेटा, कि हमने इंतजाम में कोई कमी रख दी? बेटा इतने कम समय में हमसे ज्यादा अच्छा इंतजाम कोई करके दिखा दे। मामा जी, मैं जानता हूँ कि आपने जो भी अरेंजमेंट्स किए वो बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग थे, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हो तुम? एक इंसान था जिसके चेहरे पर हंसी थी, लेकिन नकली। उस चेहरे के पीछे उदासी भी थी, और वो चेहरा था मंजरी का। वो जितना खुश रहने की और हंसने की कोशिश करती थी,
उतना ही मैं उसके हंसते हुए चेहरे के पीछे उसकी उदासी को पढ़ लेता था। और यही बात मैं मामा जी आपको पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कह रहा हूं, कहीं मंजरी ने यह फैसला किसी मजबूरी में तो नहीं लिया ना? मामा जी कुछ करिए आप। बेटा हो सकता है कि इस भाग दौड़ के माहौल में मेरी नजर से कोई चूक हो गई हो, और आज दोबारा अगर तुम ये बात उठा रहे हो तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं इस वजह का पता लगा के रहूंगा, लेकिन तुम प्लीज उस मंजरी का जरूर ख्याल रखना, उसे हमेशा खुश रखना। बाकी सब तुम उस पर छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। क्या करूं, प्यार है तो है। क्या लगा संजय है या मम्मी पापा है? मंजरी क्या हो गया है तुम्हें? कहां खो गई वो पहली वाली मंजरी? उसकी आवाज की खनक, उसका चुलबुलापन, उसकी हंसी, इस तरह घुट घुट के क्यों जी रही हो तुम? आजकल ना आप कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो सच में। मंजरी एक बात बोलू, इंसान दूसरों के सामने अपना नकली चेहरा लेकर शायद अपनी पूरी जिंदगी निकाल लेता है, लेकिन जब जब वो आईने के सामने आता है ना, उसे अपना असली चेहरा दिखाई देता है। मैं जानती हूं तुमने संजय से शादी के लिए हाँ क्यों और किस लिए की, लेकिन मंजरी तुम्हारे इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये तुम्हारा फैसला गलत है। तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी और ये फैसला तुम्हारा एक महीने या एक साल का नहीं है। पता है दी, अगर पता होता ना तो ऐसा नहीं करती। मंजरी एक बार जब वक्त निकल जाता है ना तो दोबारा वापस नहीं आता है। मंजरी सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ कि तुम अपना फैसला बदल लो। अभी हुआ ही क्या है, अभी तो सिर्फ सगाई हुई है। और फिर संजय बहुत समझदार है, वो बुरा नहीं मानेगा, बल्कि तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारा साथ देगा। हाँ संजय मान जाएगा, मम्मी पापा भी मान जाएंगे,
लेकिन किस लिए? क्योंकि मंजरी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। वो आज भी इतनी खुदगर्ज है कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, राइट? और ये सब क्यों? क्योंकि ये सब करके वो हमेशा खुश रहेगी। मंजरी तुम गलत सोच रही हो। इसमें गलत क्या है पूजा दी? पूरी दुनिया सैक्रिफाइस करी लेकिन सिर्फ एक इंसान जो मतलब है, जिसको किसी की परवाह नहीं और उसका नाम है मंजरी। लेकिन अब और नहीं, बहुत कर लिया अपने मन की और उसका अंजाम भी देख लिया। लेकिन अब मैं अपने मम्मी पापा को और दुख और दर्द पहुंचाना नहीं चाहता, इसलिए अब ये कदम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो भी हो। मंजरी तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जब भी ये फैसला लेना ये याद रखना कि जिंदगी में जब कभी तुम पीछे मुड़कर देखो ना, तुम्हारे मन में ये ना आए कि काश मैंने उस वक्त ये फैसला नहीं लिया होता, क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही होगी। और एक बात ध्यान से सुनो, ये जो तुम दूसरों की खुशियों के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो ना, उन्हें उस दिन सबसे ज्यादा तकलीफ होगी जब वो तुम्हें तकलीफ में देखेंगे। अब मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगी। राधा जी, भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो रहा है। माना मैं चाहता हूं कि मंजरी की शादी भी हो जाए, लेकिन इतनी जल्दबाजी कैसे भाई? अब 10 दिनों में इतने सारे पैसे का इंतजाम कहां से होगा? पहले हम कर्जे में डूबे हुए, पूजा के रोके पर जो उधार लिया था वो पैसे अभी तक वापस नहीं दिए। पूजा की शादी का खर्च, अब उसमें मंजरी की शादी का खर्च भी जुड़ जाएगा। अरे कहां से होगा इतना बड़ा इंतजाम? ऊपर से ये पंडित जी महाराज कहते हैं कि 17 महीने तक अच्छा कोई शगुन नहीं है। अभी तक सेठ जी के पैसे वापस नहीं किए, गहने वाले के पैसे देना बाकी है, पूजा की शादी का सारा खर्च बचा हुआ है, अब मंजरी की शादी कहां से आएगा इतना सारा पैसा? कहां से? आसमान फटेगा या जमीन से निकलेंगे? कैसे? कैसे भी करके अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मंजरी कुछ हेल्प चाहिए थी? नो थैंक्स। कम ऑन, तुम मुझे बता सकती हो? इट्स ओके। नहीं नहीं कुछ नहीं। फाइन। सारी की सारी जिम्मेदारी पापा के ऊपर ही आ गई है, कैसे उठाएंगे दो दो बेटियों की शादी का बोझ? मेरी बेटियां हैं, उनकी शादी भी मुझे करनी है और बंदोबस्त भी मुझे करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं बिल्कुल नहीं भाई। मैंने तो भगवान से सिर्फ थोड़ी सी मोहलत मांगी थी, अब पता नहीं उसको भी किस बात की जल्दबाजी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके आगे जाके हाथ फैलाऊं, किससे मांगू मदद। और अगर गलती से किसी को ये पता चल गया कि मैंने पहले ही पैसे उधार ले रखे हैं तो कौन देगा मुझे पैसे? पैसे तो कुछ भी करके लाने ही होंगे। मैं एक काम करती हूँ, आगरा के रेडियो वाले के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हूँ, इस शर्त पर कि मुझे 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के पैसे एडवांस दे दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर तुम ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी तो तुम्हें पता है ना कि तुम कितने बड़े मुश्किल में फंस जाओगी, तुम कुछ और काम नहीं कर पाओगे, इसलिए ये बेवकूफी वाली बातें करना बंद करो। तो फिर मैं क्या करूं? आप कुछ मत कीजिए, चिंता छोड़िए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। नहीं राधा जी, मेरे यहां बैठे बिठाए खुद ब खुद रास्ता निकल कर सामने थोड़ी ना आ जाएगा, मुझे ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें एक आईडिया दिया था। नहीं, मैं इस तरह तुमसे पैसों की मदद नहीं लेना चाहती, मैं अपने बलबूते पर पापा की मदद करना चाहती हूँ। एक और आइडिया है मेरे पास। तो बोलो ना। हम एक काम करते हैं, हम अपनी शादी धूमधाम से नहीं मनाएंगे, इससे ऑटोमेटिकली खर्चा भी कम हो जाएगा और अंकल की टेंशन भी। ये अच्छा आइडिया है, लेकिन नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम तो ऐसे शादी कर लेंगे, लेकिन पूजा दी की शादी का क्या होगा?
उनके ससुराल वाले क्या बोलेंगे? रहने दो, तुम एक काम करो। हाँ बोलो। कुछ नहीं। अरे भाई उठा लीजिए फोन। अरे एक कमबख्त, ये फोन उठाना ही नहीं होता तो लोग रखते क्यों फोन हैं? अब लगता खुद ही जाना पड़ेगा मुझे। कसम आगरा की कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता मुझे ऐसे लोगों पर। अरे राधा जी हम अभी आते हैं, चलो खुद ही चलते हैं वहां पे, बात करते हैं जाकर के। जय श्री कृष्ण भाया, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सेठ जी, आइए आइए। और भाया शादी की तैयारियां सब ठीक ठाक तो चल रही है ना? हाँ, सारा बंदोबस्त चोखो है ना? हाँ बस भगवान की कृपा से एक एक करके सब काम निपट रहे हैं सेठ जी। अब कुछ ना कुछ अड़चने तो आती रहती है, वो शादी ब्याह में तो आखिरी दिन तक कुछ ना कुछ लगा। हाँ वो बात तो है भाया, दरअसल दिन बहुत हो गए थे, मन ने सोचा चल के आपके दर्शन कर लूं। से एक बात बताऊं सेठ जी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। कसम आगरा की आप ही को फोन लगा रहा था लेकिन आप फोन उठा नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा मैं खुद चला जाता हूँ। अब मैं निकल ही रहा था कि आप सामने आ गए। इसका मतलब है भाया पैसों का इंतजाम हो गया है। नहीं सेठ जी अभी नहीं हुआ, क्या बताऊं वो पूजा बिटिया के साथ साथ मंजरी बिटिया की शादी भी तय हो गई है, तो मैं कुछ समझा नहीं भाया। नहीं मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप थोड़ी सी मोहलत और दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। देखो भाया अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ था तो फिर फोन काहे कर रहे थे, ये बताने के लिए कि कुछ दिन की मोहलत और चाहिए? देखो भाया मैंने ये सब नाटक बिल्कुल पसंद नहीं। आप तो इज्जतदार हो, आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं दे रहे हैं। सेठ जी मैं नाटक नहीं कर रहा हूं, मुझे खुद बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये सब बातें करते हुए। कहीं ऐसा तो नहीं है भाया कि आपकी नियत ही नहीं हो रही है पैसा देने की? सेठ जी आप मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। मैंने कब कहा कि मैं आपके पैसे नहीं लौटाऊंगा? देखो भाया मोहलत मांगना और मना करना एक ही समझे हूं मैं। एक बात याद रखिए सेठ जी, अभी आपके पैसे लौटाने की तारीख में 2 दिन बाकी है। इतने दिनों में कुछ नहीं हुआ भाया तो 2 दिन में क्या कर लोगे? देखो भाया मैं जितने प्यार से पैसे देवे हूँ उतने ही प्यार से पैसे वापस लेवे, ये मारपीट अच्छी नहीं लागे मन ने। सेठ जी आप एक सही आदमी से गलत बात कर रहे हैं। देखिए मैं एक इज्जतदार और शरीफ आदमी। यू कौन सी इज्जत और शराफत की बात कर रहे हो भाया? अगर इतनी ही इज्जत थी तो हमारे सामने हाथ फैलाकर पैसे काहे मांगने आए थे? देखिए मेरा मुंह मत खुलवाए वरना अच्छा नहीं होगा। क्या, 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 क्या कह रहे हैं सेठ जी आप? मैं सुन रहा हूँ आप और आप भूल ही जा रहे हैं। ठीक है तो फिर मेरी भी बात कान खोल कर सुन लो, 2 दिन में पैसे मिल जाने चाहिए वरना मैंने कहा था ना मेरे बेटे अनपढ़ और गंवार हैं, उन्हें नहीं पता कब हाथ चलाना चाहिए और कब मुंह, समझ गए ना? ये आप कैसे बात कर रहे हैं मेरे पापा से? अरे जो भी मन में आए कहे जा रहे हैं। आपको पैसे ही चाहिए ना, अभी 2 दिन बाकी है, 2 दिन बाद बात करेंगे और 2 दिन बाद आप मेरे पापा से नहीं मुझसे बात करेंगे। अभी तो आपने बकवास कर लेकिन आइंदा से भूल कर भी ऐसे बकवास मत करिएगा। वो क्या है ना आपकी उम्र हो गई है ना तो कहीं आपको अपनी बात भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अब आपका पाला मंजरी चतुर्वेदी से पड़ा है और बाहर जाने का दरवाजा वहां पर है। और एक आखिरी बात, पैसे आपको मैं वापस दूंगा।